और यार ये हमारा चूल्हा बन गया है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है भाई। यहाँ पे मेरे को मिट्टी विट्टी लगा के पूरा लेप लगवाने, बाकी मैंने सोचा आज अपने चूल्हे की ओपनिंग कर दी जाए। ये देखिए आज मैं कबाब बनाने जा रहा हूँ, ये देखो चूल्हा क्या सही बन गया है। और यार ये मेरा चिकन है मैरिनेटेड, और अब टाइम आ गया है इसको स्क्यूअर्स में लगाने का। मेरे पास में बड़ी चिकन वाली है जो चौकोर होती है ना, देखिए ये चौकोर है, तो ये चौकोर इसीलिए होती है, मोटी वाली होती है। चौकोर एक पतली में भी आती है जो पनीर टिक्का के लिए होती है, और ये चौकोर इसमें आती हैं चिकन के लिए भी आती हैं, तो ये होल्ड कर लेती हैं चिकन को, फिसलने नहीं देती। और गाइस कितना मस्त लग रहा है ना ये देखो, मैंने एक डाल दिया है इसमें स्क्यूअर, उसमें चिकन डाल के पूरा मैरिनेटेड था, और मेरे हाथ पे भी लगा हुआ है। रात में 4 पीसेस डाले हैं मैंने इसमें, लेग और थाई वाले हैं, बड़े मस्त बनेंगे, यमी बनेंगे। जो मैरिनेशन का मसाला होता है जब वो आँच पे गिरता है ना, तो बहुत बढ़िया एकदम ना सारे फ्लेवर्स वाले मसाले ऐसे हवा में फैलते हैं कि दूर दूर तक पता चल जाता है कि तंदूरी चिकन बन रहा है। थोड़ा सा बहुत तो कुक हुआ है, मैरिनेशन वाकई में बहुत अच्छा हुआ है। मैंने इसमें कोई भी तंदूरी मसाला नहीं डाला, नॉर्मल घर के मसाले डाले हैं। ओए होए ये देखो कितना प्यारा लगता है, जैसे पहाड़ों पर बड़ा अच्छा लगता है ना ऐसा। नीचे वाले तो कुक हो गए हैं, बस मैं ऊपर वालों को थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कच्चा ना रह जाए। तो कुकिंग प्रोसेस में है, देखो हो रहा है, वो अच्छे से शेप में आ रहा है। इसको आई थिंक 3-4 मिनट में और मस्त हो जाएगा। सेवेंटी % डन है मामला, और बहुत अच्छा निकल के आया है। टेरी टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है, अजवाइन भी डाली थी मैंने इसमें। बहुत ही सुंदर तरीके से मैरिनेशन हुआ। ओए होए इसको तो निकाल निकाल के ना इतना मज़ा आता है ये खाने में, ये जो जला वाला पोर्शन होता है ना। ओए होए 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 बहुत ही अमेजिंग बना है, बहुत ही अच्छा, सुपर्ब एकदम शेप स्ट्रक्चर मैरिनेशन टेक्सचर सब कुछ बहुत अच्छा निकला है। थोड़ी सी देर और डाल देते हैं इसको हीट में, थोड़ा रेस्ट करने देते हैं इसको, और अभी थोड़ी देर में ये और अच्छा तरीके से अंदर तक कुक हो जाएगा, तो फिर आके देखते हैं इसको, मिलते हैं थोड़ी देर में। और मैं सोच रहा हूँ इसको ना साइड से डाल देता हूँ, ऐसे लंबा डालता हूँ, और वहाँ दिख रहे वो अंदर खोखरे से मैं फंसा के और ऐसे अटका देते हैं ऐसे। और अब इसको ये बहुत अच्छे तरीके से इसको हीट मिलेगी, थोड़ा गरम गरम है और पीछे खींच देता हूँ, तो अब ये तरीके से ये वाले भी पोर्शन कुक हो जाएंगे। वेरी नाइस, खाने में इतना मज़ा आएगा क्योंकि देखने में इतना अच्छा लग रहा है। ये लकड़ी गिर गई यहाँ पे, इसको उठा के वापस रखते हैं यहाँ पे, आप इधर ही रहो, आपकी जगह यही है, आपको ये सेकना है। 10 नवंबर है आज 2021। और यार मैंने अभी ये चेक करके देखा है, यहाँ से कॉर्नर निकाला मैंने, थोड़ा खा के देखा, इतना सही कुक हुआ है ना, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, बिल्कुल टेंडर है, एकदम जूसी हो रहा है। इसको हम ऐसे भी खा सकते हैं या इसमें बटर और धनिया मिला के और चाट मसाला डाल के, हालांकि इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इतना टेस्टी बना है ना। और इसमें कोई स्पेशल तंदूरी मसाला नहीं डाला गया है, इसमें नॉर्मल घर के मसाले डाले हैं जो नॉर्म बेसिक मसाले घर में। तो बने रहिए मेरे व्लॉग्स के साथ में दोस्तों, आपको बहुत ही प्यारे प्यारे खाने के ऐसे ही खुद बना के और आपको मैं दिखाता रहूँगा। चलिए दोस्तों, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सीख हमने निकाल ली है बाहर, और तंदूरी चिकन बहुत अच्छे से कुक हो गया है, देखने में एकदम शानदार लग रहा है, मन कर रहा है बस जल्दी से ऐसे ही बूम मार दिया जाए इसमें और खा लिया जाए। लेकिन कोई नहीं, इसको पहले अच्छे से देखें ठीक से, मैंने चेक किया बहुत अच्छे से टेंडरली कुक हुआ है, एकदम जूसी है। और इसमें मैं सोच रहा था बटर मिलाऊं, लेकिन अब इसमें बटर बिना मिलाए ही इसको खाऊंगा, क्योंकि इतना अच्छा बना है ना, जूसी बना है कि बस इसको ज़रूरत ही नहीं है बटर की और ना ही एडेड चाट मसाला की। ये देखो क्या लुक दे रहा है नहीं खतरनाक, एक नंबर बनाया बिल्कुल यार, मतलब ऐसी चीज़ घर में बैठे बिठाए बिना किसी ज़्यादा खर्चे के रेस्टोरेंट से भी अच्छा बनाया, सीरियसली।
तो दोस्तों, अगर आपको कैंपिंग, कुकिंग, ट्रैकिंग, मोटर व्लॉगिंग जैसे व्लॉग्स देखने पसंद है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।